दिए पैर, देख पूरा काला पड़ गया ना। और आज वजू करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब क्लिनिक मुझे लेकर गए और क्लिनिक मेरे बच्चों को सबको रहम आ गया मेरे। कल तेरे पापा ने वीडियो बना दिए ना, चाय उतार ही रही थी तो बिरयानी कहाँ से आई है मदीना, पैर जलाकर बैठी बिरयानी। आज माँ ही कचरा दे रही है, कचरा लेने के लिए अंकल आए हैं। अंकल को अच्छा ये कल का प्लाव देखो रखा हुआ है, ये इतना बच गया तो आज ना माई टिफिन में लेके जाएगी और अभी मैं इसको गर्म कर रही हूँ, हम लोग अभी यही नाश्ता करेंगे। गुड मॉर्निंग माही, माही ट्यूशन से आ गई आज। आज थोड़ा सा लेट व्लॉग स्टार्ट किया हम लोग ने आपके फैयाज भाई जन, कहाँ जा रहे जनाब सुबह सुबह तैयार होके? मैं आ रहा हूँ जरा फ्रेंड से थोड़ा काम है। ये काय का पैसा? कल का हिसाब। ये बचा दवा पानी के जाके दवा पानी जाके ये बचा है 100 रुपया जो आज के खर्चे को दिए इन्होंने मेरे को। चलो ठीक है, आज वैसे भी ज़्यादा कुछ हाई मारी नहीं है, मतलब पकाना नहीं है आज तो चल जाएगा मेरे को। अभी कभी आ रहे तुम? चलो फिर नाश्ता करके ले लेती हूँ मैं भी, तुम आओ जल्दी। 1-2 घंटा तो यस 12 बज रहे, तुम 2 बजे आएंगे? काम है भाई, अभी हम लोग काम कर रहे हैं 4-5। ठीक है वो ग्राम दोस्त लोग के पास जा रहे बोले। मैं और माही का ना हस्ता आज प्लाव खाएंगे है ना माही? यस। मम्मा के साथ कल क्या देता हूं आपने? टिफिन में भी लेके जाएगी? हाँ। तो मुझे पता ही है तेरा फेवरेट है प्लाव, चल आ जाओ। ये पता है इसमें क्या है, नुमैर ने लाके दिया, इसमें है माही की फेवरेट जलेबी। माही तीखा मीठा खाएगी साथ में? हाँ, मैं तो खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मीनू आ गई, मीनू तू खाई ना मच्छी, जा जाके सो जा, जा जा अपने बिस्तर पे। लो चलो हो गया नाश्ता, अभी जल्दी जल्दी से बाल खोलो, बाल बना दो, बाल बनाती स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हो आप सब? चले वेलकम बैक। और आज है क्या है आज? ट्यूसडे। आज है ट्यूसडे? ट्यूसडे यस। वेडनेसडे? ट्यूसडे। वेडनेसडे ना यार, मोबाइल में देखो। चलो ठीक है, जो भी है आज का ट्यूसडे और वेडनेसडे वाला ब्लॉग स्टार्ट करते। सो आप लोग जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हो, अल्लाह आप सबको खुश आबाद रखे, आपकी जो भी दिली मुराद है अल्लाह सबको पूरी करे, जो भी परेशानी है अल्लाह सारी परेशानी आपकी दूर करे। चले ये देखो कल दवा लेकर आई थी तो अभी मैं बोली चलो खाना आज पिलाओ, आज मेरे को नाश्ते से छुट्टी मिली कसम से यार, आज एकदम मतलब रोज नाश्ता बनाना, आज तो नाश्ते नहीं बनाई, थोड़े से मेरे बच्चों को सबको रहम आ गया मेरे पे, तो बोले आज मम्मा आज आएंगे मम्मा आज पिलाओ खा लेंगे, मैं तो रोटी बनाती हूँ तो फिर पिलाओ खा लिए। तो अब मैंने बोली चलो अब दवा खा लेते, वरना फिर दवा के बिना फिर मेरा काम हो जाएगा भारी। ये एक टेबलेट और ये वाली दो, ये रात में बोले ये मम्मी का पूरा भंडार बन गया, कैसे दवा का भंडार आ गया ना माई। हाँ। और ये क्रीम, लेकिन दवा तो जरूरत पड़ती है, दवा के बिना कुछ नहीं होगा, दवा तो चाहिए। माही आज लेके जा रही टिफिन में पुलाव है ना माही? चलो हेलो हो गया, चलो बाय अल्लाह हाफिज, पापा उधर पे मिलेंगे तेरे को, हाँ दुआ देती अल्लाह हाफिज मेरे बच्चों को, खूब काम। अगर टीचर नहीं मिला तो कल बोल दूंगी। किसको बोलेगी कल? शाइस्ता टीचर। देख ना बाहर मिलते क्या पापा को, देख मिलने मिलता क्या जाने के लिए अंदर, मैं एकता में जा। हाँ बाय। बाथरूम साफ करने वाले, ये देखो वो लोग ऐसे करते फजू पैंट ऊपर ऊपर, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दी, वो भी मेहनत का काम है। टीचर को बोला, सोमना टीचर को ही बोला, बोलकर आए ना टीचर को। बाद में एक और मराठी टीचर जो है ना। अच्छा यहाँ पे मैं जोहर की नमाज अदा कर रही थी और आज वजू करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब बहुत मुश्किल से मैंने वजू किया, क्योंकि पैर के ऊपर तो आप लोगों को पता है मैं पानी डाल नहीं सकती, अम्मी ने भी मना की है, फैयाज ने भी बिल्कुल मना की है कि पैर के ऊपर पानी मत डालना, पैर को बहुत पानी से बचा के रखना।
तो मैंने वजू के वक्त सिर्फ तलवा जो होता है ना वो मैंने तलवा धोई हूँ और पैरों के ऊपर का हिस्सा धोई हूँ, मतलब बहुत बचा के मैंने वजू किया है। तो आप लोग मुझे बताना कि मतलब अगर पूरा पैर ना धो के अगर मैं ऐसा वजू करूँ तो वो मुकम्मल कहलाएगा या नहीं, मेरी वजू मतलब मेरी वजू पूरा होगा नहीं होगा, मेरी नमाज मतलब पूरी होगी नहीं होगी, क्योंकि वजू के बिना तो नमाज नहीं पढ़ सकती, आपको भी पता है। तो आप लोग मुझे बताना। वैसे तो वजू करने के बाद मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग लिया कि अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना अल्लाह पाक, बट मेरी नमाज़ जो है ना आप कबूल करना, क्योंकि आप लोग को भी पता है मैं नमाज़ नहीं छोड़ सकती हूँ यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चले अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरी जोहर की नमाज़ अदा हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और किचन पे वापस से चाय चढ़ा के आई हूँ, बट अभी थोड़ा से ध्यान रख के चढ़ा के आई हूँ। और क्या, हाँ खाना, पुलाव तो है अभी, देखिए आप लोगों ने इतना सारा पुलाव था तो अभी पुलाव है, अभी दोपहर को आराम से खा लेंगे, कोई मसला नहीं है, दोपहर का खाना हो जाएगा। आपके फैयाज भाई ना, मैंने बोली ना वो कहीं जा रहे थे तो वो अपने फ्रेंड लोग के साथ में ना कुछ उनका काम है, पता नहीं उन लोग का मिलके कुछ काम कर रहे वो लोग, तो वो वहीं पर ही है, अभी आए नहीं है घर पर, तो वो वहीं है, माई को छोड़े स्कूल और जनाब फिर से भाग गए। अभी वो शायद आएंगे, एक दो घंटे में आएंगे शायद, तो फिर साथ में मिलके फिर से पुलाव गर्म करूँगी और खा लेंगे। तो आज पुलाव तो अभी दोपहर के लिए चल जाएगा, रात को तो रात का देखेंगे ना, रात को देखेंगे इंशाल्लाह, पका लूँगी कुछ ना कुछ, या फिर देखेंगे रात का रात में। और पैर तो मेरा अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मदीना एकदम नॉर्मल लग रही है ऐसा, कल की वीडियो में तो बहुत परेशान दिख रही थी एकदम से, तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है और काफ़ी आराम है मेरे को कल से। तो मैं आपको पैर दिखाऊँ मेरा कि अभी इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, चलो दिखाती हूँ मैं। ये देखें, ये पूरा यहाँ पे जला है और ये देखिए काला पड़ गया है और यहाँ पे जो है ना ये सूज गया है, छाला पड़ चुका है, अब ये फूटेगा शायद, और ऑलमोस्ट बोलूँगी ना तो मेरा पैर जो है ना वो एकदम से सामने, देखो ये मेरी स्किन का कलर है और ये मेरे पैर का कलर है, मतलब एकदम काला पड़ चुका है, ये हिस्सा जो है ना पूरा काला हो गया है, ये देखो काला पड़ गया। और ये जो है ना ये सब जो दाग आपको दिख रहे हैं ना ये, और ये आप लोग देख रहे हैं ये दिख रहे हैं, और ये सब दिख रहा है आपको साइड में, ये दिख रहा है, ये सब टाके हैं मेरे पैरों के, जो ऑपरेशन हुए थे ना जब मैं छोटी थी, ये सब टाके हैं मेरे पैरों के, और है मेरे पैरों में टाके इधर ऊपर ऊपर बहुत है। अभी मैं यही आपको दिखा रही थी, फिर आप लोग बोले कि ये सब क्या है, तो ये मेरे पैरों के नहीं, ये भी दिख रहा है, ये आपको टाके है, ये सब ये बारीक ये निशान दिख रहा है, ये टाके, ये इतना मेरे पैरों में नीचे इतना टाके, आप सोच लो ऊपर कितना होगा। तो इतना जला है अभी, ठीक है बस ये अभी फूट जाएगा ना शायद, तो फिर ये थोड़ा सा संभालना पड़ेगा मेरे को, फिर मैं पैर वैर फोल्ड करके बैठ नहीं सकती क्योंकि फिर जख्म हो जाएगा ना, ये देखो ये ना सुई लेके फोड़ने, हाँ फोड़ देना सुई लेके, फुग्गा है ना वो, हाँ, फोड़ दे, फोड़ सकते, चुप बैठ, कुछ भी बोलता है। मेरा बेटा लगा रहा है मल्लम अपनी मम्मा की, संभाल संभाल संभाल, टच इधर हल्का हल्का टच करना बेटा, दबा के नहीं टच करना, दबाना नहीं, मैं तो अभी फिलहाल दर्द कम है काफ़ी हद तक के, दवा माशाल्लाह इतना अच्छी दिया ना नुमेर उसने, दर्द नहीं दे रहा अभी, नहीं कम है, कम है बोल रही, तो दबा दबा के मत लगा भाई, पूछ के ना दबा रहा हाथ, कम है क्या बोले और यहाँ भी लगाओ, अरे भाई वो टा उधर जब फुगेला ना वहाँ पे दर्द, अभी दर्द उठ रहा है, अभी सुबह से इतना था नहीं लेकिन अब दर्द आ रहा है, वो पक रहा है ना, पानी भर रहा है ना उसमें, हाँ पानी भरेगा तो दर्द आएगा ही, भर रहा है ना पानी, अब उसको कैसा फूटेगा, वो अपने आप फूट जाएगा शायद, मेरे को भी पता नहीं है, नहीं तो आप फोड़ दो, नहीं रे बाबा दर्द नहीं देगा, फोड़ेगा नहीं तो दर्द देगा, पूरा ना काला पड़ गया पैर, यहाँ देख ऊपर का पैर देख मेरा, और ये पैर देख पूरा काला पड़ गया ना, तो ये लग गया है, नुमेर ने लगा दिया मल्लम, सुबह से नहीं लगाई मैं क्योंकि काम काम था ना, अभी लगा के बैठना पड़ता है ना फिर, चलो मेरे बेटे ने लगाया मल्लम, हाँ संभाल के ले, पटले पे बैठ, पटले पे बैठ, और ये ना चाय गिरी थी मेरे पैरों पे, जो मैं आप लोगों को बताना ही रह गया, मेरे पैरों पे ना जो चाय गिरी थी, क्या हो गया मजे ले रहा मेरी यार, लोग मजे ले रहे मेरी, देखो मतलब बता रहा हूँ गाइस, ऐसा था रिएक्शन,
देखिए ऐसी औलादे हैं, मजे ले रही अपनी माँ के ही। अरे आपने वीडियो नहीं बनाया, तो हम लोग रिएक्शन बता रहे बस। अच्छा कल तेरे पापा ने वीडियो बना दिए ना? हाँ तेरे पापा ने मेरे मजे लेने के लिए ना, कि इसके बाद में मजे लूंगा बोले, इसको दिखा दिखा के। हाँ जब कुछ होता है ना तो फिर वो अपने पास कुछ रहता है ना क्लिप, तो वो बाद में दिखा दिखा के ना, फिर हाँ ऐसा रो रही थी वैसा रो रही थी वैसा रो रही थी। माई का देख लो बाल वाला। माई का भी एक बाल वाला हो जाता है यार। चलो ये भी लाइफ का एक पार्ट है कि ये सब चलता ही रहता है। बस चाय, अभी चाय से डर लग रहा है, बहुत गर्म गर्म पीने की चाय आदत है ना। तो चले काम करती हूँ, अपना काम कंप्लीट करती हूँ। वीडियो एडिट करना है, वीडियो की एडिट बाकी है, वो करती हूँ। काम तो करना ही है यार, चाय से डर लग रहा है। काम तो करना ही है, काम के बिना तो चलेगा ही नहीं। तो काम करती हूँ, पैर अभी ऐसी रखती हूँ, मलम अभी सुबह से अभी लगाई हूँ। हाँ अभी सुबह से नहीं लगाई मैंने मलम, अभी लगाई हूँ। आपके फैयाज भाईजान आ जाएंगे तो फिर खाना गर्म करती हूँ, फिर खाना दें, खाना खाएंगे हम लोग, और फिर व्लॉग को रखना कंटिन्यू, देखना आखिरी तक के ये हुआ कैसे। चाय तो गिर गई, आपको बता दिया मैंने, बट ये हुआ कैसे। इनो क्या हुआ, ऊपर क्यों गई थी क्या बाबू? अल्लाह हाफिज। कितने बजे आएगा, 7 बजे 8 बजे? ठीक है चल। मम्मा सोना, ए बाबू माही, ये देखो माही को देखो, और माही के बाजू में ये मीनू को देखो। मीनू के एकदम हाथ के ऊपर एकदम देखो ना, कैसा सर टिका के तकिया नहीं, कैसा लगता है एकदम। मीनू माही के हाथ के पास एकदम सर टिका के एकदम लेटी है। हाँ मीनू माही प्रिंसेस और मीनू प्रिंसेस है ना। अच्छा जी चले यहाँ से करूँगी मैं वॉइस ओवर, और कुछ शेयर करूँ इसके पहले मैं आप सब लोगों को, जितने मेरी यूट्यूब फैमिली में लोग हैं आप सबको सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी। जज़ाकल्लाहु खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, इतनी मेरे लिए इतना सोचने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग ने किए कल के व्लॉग में, मुझे दुआएं दिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सारी बहनों को, मेरे सारे भाइयों को और मेरी सारी आंटियों को, बहुत 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 शुक्रिया कि मेरी फ़िक्र करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जब मुझे वो इंसिडेंट से मैं गुजरी, जब वो चाय मेरे पैरों पे गिरी ना, तो एकदम से अकेला हो जाता ना इंसान, अकेले अकेले मुझे एकदम अकेले होने का फीलिंग आ रहा था। लेकिन जब नेक्स्ट डे मैंने ब्लॉग को खोला, मैंने कमेंट बॉक्स चेक किया ना, तो मुझे ना एकदम से ऐसा लग रहा था यार मैं अकेली नहीं हूँ, कितने लोग मुझे प्यार दे रहे, मुझे दुआएं दे रहे, मुझे कोई पूछ रहा है। मतलब ऐसा होता ना यार, कोई पूछ नहीं रहा है, इंसान बीमार इंसान हो जाता तो कोई पूछता नहीं, तो ऐसा लगता है यार हम अकेले अकेले। लेकिन जब कमेंट्स बॉक्स में गई तो मैंने देखा कि यार मैं अकेली नहीं हूँ, ये तो मेरी पूरी फैमिली मुझे इतनी दुआएं दे रही है, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और हाँ चलिए अब मैं शेयर करती हूँ ये हुआ कैसे। एक्चुअली कल ये हुआ है, मतलब ये मगरिब के वक्त, मतलब कुछ 6:15 और 7:15 के बीच में समझ लीजिए ये सब हो गया। ये आधे घंटे में, जब आपको पता है ना माही आ जाती है कुछ 6:11-12 को आ जाती है, मतलब 6:11 बजे 6:11 या 6:12-15 तक तो माही आ ही जाती है 6:15 बजे तक के। अब माही आने के बाद में माही को तो मैंने खाना निकाल के दे दिया। आपके फैयाज भाईजान पीछे से आ गए, तो उनको था कि भाड़ा था उनका, तो मेरे को बोले कि मेरे को भी खाना खा के निकलने का, खाना बन गया क्या? तो आपको तो पता है कल मैंने पुलाव बनाई थी, और कुछ 4 बजे हम लोग ने पुलाव खाए थे नुमैर ने और मैंने मिलके, और फिर माही को स्कूल से आने के बाद दे दी। आपके फैयाज भाईजान आ गए, उनको भी मैंने खाना निकाल के दे दी, बस वो खाना खाने के लिए वो भी बैठ गए। इतने में नुमैर भी आ गया पीछे से, और वो आके मेरे को बोलना मम्मा चाय, तो बस नुमैर आ गया, तो फिर फटाफट से मैंने चाय भी चढ़ा दी। मैं बोली कि चलो आपके फैयाज भाईजान खाना खा रहे हैं, जब तक जो है ना मेरी चाय भी बन जाएगी और खाना खा के ये भी हट जाएंगे, और नुमैर को भी चाय दे दूँगी, क्योंकि मेरी मगरिब की नमाज़ का वक्त हो जाएगा, फिर 7:15 हो जाएंगे, और बस इन लोग को मतलब इनको हटा दूँगी, फारिग कर दूँगी ना, तो जगह खुल जाएगी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस ये घाई घाई में थी मैं कि इन दोनों को हटा दूँ, क्योंकि आप लोग को पता है घर बहुत ज़्यादा छोटा है, साथ में बैठ के खाना भी नहीं खा सकते, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है अभी तो फ़िलहाल, बहुत प्रॉब्लम तो हो रही है हम लोग को घर की वजह से। तो मैं क्या करी, बस घाई कर रही थी कि आपके फैयाज भाईजान खा रहे थे, मैं भी बैठ गई नीचे मांडी डाल के, तो मांडी डाल के बैठी और मैंने चाय रख दी उधर। बस चाय खोलने पे आई, मतलब बनने पे आई, मैं चाय उतार ही रही थी, तो वो जो मेरा डोंगा है ना, आप लोग को पता है स्टील वाला, तो वो डोंगे के जो पकड़ने वाला जो होता है ना, उसके ऊपर मेरा हाथ लग गया, और चाय जो है ना पूरी आउंदी मेरे पैरों पे ही गिर गई। मैंने मांडी डाल के बैठी थी, मतलब फोड़ करके नीचे बैठी थी ना जमीन पे, तो मेरे पैर पे गिर गई। अगर
मैं पटले पे बैठी होती तो शायद मैं बच जाती, चाय जो है ना ज़मीन पे गिर जाती, थोड़ा बहुत मुझे लगता, इतना नहीं लगता, बट मैं ज़मीन पे बैठी थी मांडी डाल के, क्योंकि आपके फैयाज भजन एकदम सामने मेरे बैठे थे ना, तो पटला रख के बैठने को जगह नहीं समझ में आ रही थी, तो मैं नीचे ही बैठ गई और यही मेरी गड़बड़ी हो गई कि मुझे पटला लेके अगर बैठ जाती तो बच जाती। बट कहते हैं ना यार, जो होने वाला होता है ना वो होता ही है, आप कितना भी उसको वो करो लेकिन वो होने वाली चीज़ें हो जाती है। पर जब ये इंसिडेंट हुआ ना, उस वक्त जो आप महसूस करते हो ना वो कभी भूल नहीं पाते हो। जब ये हुआ कि मेरे पैरों पे जैसे चाय गिरी ना, मैं इतनी ज़ोर से चीक मारी कि आपके फैयाज भजन ने खाना छोड़ दिए, और एकदम से उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, एकदम बौखला जैसे गए थे, और मैंने बहुत चीखे मारी कि जलन हो रही है, तो उन्होंने टब में जो ना बर्तन थे वो बर्तन उठा के किचन पे एकदम ज़ोर से फेंक दिए, टब में पानी भर के लेके आ गए, मेरा पैर उठा के उसमें डाल दिया, मैं फिर भी चीखे मार रही हूँ, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उन्होंने गए बाथरूम में और फिर कोलगेट लेकर आए वॉशरूम से जाके, और फिर भर भर के कोलगेट लगा दिए कि बोले अब तो इसको जलन कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी कम नहीं हुआ। मतलब उस टाइम पे दिमाग जो ना फ्रीज हो जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। उसके बाद में जब दर्द कम नहीं हुआ, जलन कम नहीं हुई, हॉस्पिटल मतलब क्लिनिक मुझे लेकर गए, और क्लिनिक से फिर मेरे को दवा दिला के लेकर आए, एक घंटे के बाद में कुछ ऐसा लगा कि ठीक है अभी मतलब थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो सकती हूँ। मतलब उस वक्त जो जलन थी ना वो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती कि उस वक्त मैंने क्या महसूस किया था। बाकी बस अल्लाह सबकी हिफाजत करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे। आप लोग सोच रहे होंगे ये बिरयानी कहाँ से आई है, मदीना पैर जलाकर बैठी बिरयानी खा रही एक्चुअली ये मेरी अम्मी ने भेजे मेरे लिए बिरयानी, मतलब मेरे लिए नहीं हमारे लिए भेजे बिरयानी, ताकि मैं काम नहीं करूँ, थोड़ा मैं आराम कर लूँ दो दिन, क्योंकि मतलब आप वो भी समझ गए ना, उनको वीडियो कॉल पे उनसे बात कर ली, उनको दिखा दी मेरे पैर की कंडीशन, तो वो भी डर गए थे, तो वो आने के लिए रेडी थे, बट मैंने बोली नहीं रहने दो अम्मी, ठीक है हो जाएगा, मैंने दवा लेकर आ गई हूँ, अभी ओके हूँ मैं, आराम हूँ। तो फिर बोलने लगे कल बिल्कुल काम नहीं करना और तू आराम करना, मैं बिरयानी भेज दूँगी, आराम से नाश्ता भी कर लेना, खाना भी खा लेना, मतलब बिल्कुल काम नहीं करना, और कीमा भी बना के दे दिया, मतलब सुबह मैं नाश्ता भी बनाती हूँ ना अलग से, तो बोले कीमा है ना वो खा लेना, तुम लोग पाव वो मंगा के पाव से कीमा खा लेना और दोपहर में बिरयानी खा लेना, बट कल पूरा दिन तू काम नहीं करना, भले अगर दो दिन भी रख के खाना हो ना तो दो दिन भी रख के खाना, पर तू पूरा दिन जो है ना आराम कर लेना, बिल्कुल काम नहीं करना। बाकी चले बस मैं ब्लॉग को इधर ही एंड करूँगी, और बस ब्लॉग क्या बोलूँगी यार, मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ शेयर करती हूँ, और बस दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।